Now I request Sir Shri Atal Bihari Vajpayee Ji, Honorable Prime Minister, to say a few words. श्रद्धेय स्वामी भगवान जी, देवी और सज्जनों, आज हम सबके लिए पूरे दिल्ली वासियों के लिए बड़े आनंद और सौभाग्य का अवसर है। सत्रह वर्ष बाद, जैसा कुलवंत राय जी ने आपको अभी स्मरण दिलाया, स्वामी भगवान फिर दिल्ली में पधारे हैं और हमें उनके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, उनके वचनामृत का लाभ उठाने का भी अवसर मिलेगा। सत्रह वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है, लेकिन अब हमें इतनी प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी। वो प्रतिवर्ष आएंगे हमारे बीच में, हमें दर्शन देंगे। दिल्ली में सचमुच इसकी आवश्यकता भी है। दिल्ली में हर तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है, उनके आशीर्वाद से दिल्ली सुधरेगी। जिम्मेदारी दिल्ली वालों को निभानी है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन ये दिल्ली के लिए अपने में बड़ी उपलब्धि है। मुझे बताया गया कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। दुनिया के अनेक देशों में भ्रमण करते हुए मुझे साईं भगवान के अनेक भक्त मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं लौटने के बाद भगवान तक ये बात पहुंचा दूं कि उन्हें दर्शन देने के लिए उनके देश में भी आना चाहिए। मैं नहीं जानता यह संभव होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि भगवान के भक्त जहां भी हैं, भगवान उनकी चिंता करते हैं, भगवान उनका ध्यान करते हैं, उनकी पीड़ा के निवारण के लिए अपने ढंग से प्रयत्न करते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री के नाते यहां नहीं आया हूं, मैं ये स्पष्ट कर दूं। पहले स्वामी भगवान जब दिल्ली आए थे तब मैं विदेश मंत्री था, आज मेरी थोड़ी सी तरक्की हो गई है, लेकिन मैं किसी पद पर बैठा हुआ इसलिए नहीं आया। जब मैं पद पर नहीं था तब भी स्वामी भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया करता था, आज तो मुझे उनके आशीर्वाद की और भी आवश्यकता है। धन्यवाद।